नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे राजस्थान ईसीजी वैकेंसी 2023, कितने पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों कितने पदों पे जो है वैकेंसी आने वाली है, चलिए दोस्तों देखते हैं। आप देख सकते हो भरत बेनीवाल जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और अभी अभी का ये ट्वीट किया गया है। आप देख सकते हो दोस्तों भरत जी बेनीवाल जो है बेरोजगार युवाओं के जो है संघर्ष में हमेशा साथ देने वाले जो नेता है भरत बेनीवाल जी, इन्होंने कहा है कि ईसीजी भर्ती 2023 के लिए 116 पदों की अभ्यर्थना चिकित्सा विभाग द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को 28 फरवरी 2023 को भिजवा दी गई है। आप देख सकते हो दोस्तों 116 पदों पे जो है आपकी ईसीजी भर्ती 2023 जो है आने वाली है, उसकी जो अभ्यर्थना है वो चयन बोर्ड को 28 फरवरी 2023 को ही भिजवा दी गई थी। अब दोस्तों आप देख सकते हो 116 पदों में जो है 101 पद जो है आपके नॉन टीएसपी के रहेंगे एवं जो 15 जो आपके पद रहेंगे वो टीएसपी एरिया के रहेंगे। दोस्तों 101 पद आपके जो है नॉन टीएसपी एरिया के लिए है और 15 पद जो है टीएसपी एरिया के रहेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप साइंस से हो, 12th पास हो तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का आपके पास ईसीजी टेक्निशियन का जो है डिप्लोमा होना आवश्यक है, वो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसी के अलावा दोस्तों जल्द विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही ईसीजी की जो भर्ती है राजस्थान में आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जल्द ही निकाली जाएगी और 101 पद जो है नॉन टीएसपी के रहेंगे और 15 पद जो है आपके टीएसपी एरिया के रहेंगे। भरत बेनीवाल जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इन बेरोजगार युवाओं के लिए, काफ़ी अच्छा ये मौका है। 116 पद जो है इसमें टोटल है ईसीजी के और 12th अगर आपने साइंस और मैथ से की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना आवश्यक है। और दोस्तों इसमें जो है क्या लिखित परीक्षा के आधार पे ये एग्ज़ाम होगी दोस्तों, और इसमें जो है सिलेबस का जो है वही रहेगा जो हमने आपको पहले बता दी थी। और इसके अलावा दोस्तों अन्य जानकारी इस भर्ती से संबंधित आपको हम समय समय पर देते रहेंगे और जल्द ही। और आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि जल्द ही ओटी टेक्नीशियन और नेत्र सहायक की भी भर्ती निकलवाएंगे। दोस्तों इन्होंने साफ तौर पर कहा है नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन की जो है वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली है, तो आप तैयार रहिए दोस्तों, ये वैकेंसियाँ जो है जल्द ही आपकी आएगी, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। राजस्थान में जो है चिकित्सा विभाग में लगातार वैकेंसियों का भरमार आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और चैनल से जुड़े रहिए, ईसीजी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।